तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों ये यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ती है इसमें आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है कोर्सेज कौन से हैं और इसमें आपकी फ़ीस कितनी है कम्प्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था इसका नाम प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया है एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है फी डिपॉजिट करनी है इसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन मोड की अगर हम बात करें तो दो प्रकार से आपका एडमिशन यहाँ पे होता है पहला आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है दूसरा आपका यहाँ पे डायरेक्ट मोड में आपका यहाँ पे एडमिशन होता है डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आपका यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्सेज में तो वहीं कुछ आपके कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा उसके बाद ही आप उन कोर्सेज में यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं तो वहीं अगर हम बात करें अगर आपने यहाँ पे बीटेक का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा उसकी रैंक के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा तो वहीं अगर आप यहाँ से एम यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से तो आपको यहाँ पे एडमिशन सी यू ई टी यू जी के मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा तो वहीं अगर आप यहाँ से एम बी ए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पी जी के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा अगर हम बात करें कोर्सेज की तो यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी इंग्लिश संस्कृत सिंधी जोग्राफ़ी होम साइंस म्यूजिक फ़िजिकल एजुकेशन आर्क्योलॉजी एंड म्यूजिकोलॉजी फ़िलासफ़ी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी सोशल वर्क पोलिटिकल साइंस एनशेंट हिस्ट्री जेनिकोलॉजी साइकोलॉजी में आप यहाँ पे बैचलर ऑफ़ आर्ट्स बी का कोर्स कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ से बैचलर ऑफ़ साइंस बी का भी कोर्स कर सकते हैं इसमें आपकी बहुत सी स्ट्रीम्स हैं जैसे कि आपका मैथमेटिक्स फ़िजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस जूलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉटनी केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी इन्वायमेंटल साइंस बायो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी जोग्राफी होम साइंस इसके अलावा आप यहाँ से बी का भी कोर्स कर सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी आप यहाँ पर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट्स बैचलर ऑफ़ सोशल वर्क बैचलर ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन बैचलर ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बी का कोर्स बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर बैचलर ऑफ़ फार्मेसी बी फार्मा का कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं बैचलर ऑफ़ लॉ का कोर्स कर सकते हैं एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन आपकी तीन साल और पाँच साल भी होती है इस इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बैचलर वोकेशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बैचलर वोकेशन इन एमसीजी में आप एडमिशन ले सकते हैं इन इन फ़ैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी में बात कर लें तो आप यहाँ से बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी यानी बी टेक का कोर्स भी कर सकते हैं आप बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बी इन कंप्यूटर साइंस बी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बी इन सिविल इंजीनियरिंग बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बीटेक प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन उन वेकेंट सीटों पे होते हैं जिसमें कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है उसके लिए आपको यहाँ पे जई मेंस के मार्क्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं अगर आप बीटेक के कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे जई मेन्स का मार्क्स कंसिडर किया जाता है बाकी अगर आप जित भी कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम यू के थ्रू यहाँ पे आपका फॉर्म फिल होता है फॉर्म फिल कर सकते हैं वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं तभी आपको इन कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पे मिलेगा तो ये हमने बात कर ली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तो वहीं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे आप एम ए इन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट एम ए इन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एम ए इन हिंदी एम ए इन इंग्लिश एम ए इन सिंधी एम ए इन अप्लाइड साइकोलॉजी एम ए इन फ़िलोसफी एंड रिलीजन एम ए इन स्ट्रैटिक स्टडीज़ एम ए इन सोशियोलॉजी एम ए इन ड्रॉइंग एंड पेंटिंग एम ए इन एडल्ट एंड कंटिन्यूंग एजुकेशन एम ए इन इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क एम एस डब्ल्यू कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा आप मास्टर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन मास्टर ऑफ़ एजुकेशन एम एड का कोर्स कर सकते हैं मास्टर ऑफ़ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म मास्टर ऑफ़ टूरिज़म एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर ऑफ़ पब्लिक हेल्थ एम ए इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग एम एफ ए पेंटिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा आप मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मास्टर इन ह्यूमन कॉन्सियसनेस योगिक साइंस एंड थेरेपी में आप एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा आप एम इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से एडवांस पी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन इन्वॉर्मेंटल मॉनिटरिंग एंड एंड सिमुलेशन एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन एंड इंस्ट्रोमेंटेशन पीजी डिप्लोमा इन अवधि पीजी डिप्लोमा इन भोजपुरी हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट इन फ्रेंच पीजी डिप्लोमा इन जर्मन इसके अलावा और भी यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम्स है आप देख सकते हैं इनमें आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं तो वहीं अगर हम सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात कर लें तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन गर्भ संस्कार सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कोर्स इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स इन सॉयल एंड वाटर टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज़ में आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको इसमें बताया यू के कौन से प्रोग्राम्स हैं पी के कौन से प्रोग्राम्स हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं कौन से कोर्सेज़ हैं तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया तो एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं कोर्सेज की एलिजिबिलिटी ड्यूरेशन टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स और इसमें आपकी कितनी फ़ीस लगती है पर कोर्स की तो इसमें चलिए डिटेल में जानते हैं तो पहले बात करते हैं हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में तो इसमें अगर हम बीए कोर्स को देखें तो इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं थ्री हंड्रेड सीट्स हैं और इस कोर्स की ड्यूरेशन आपकी तीन साल की रहती है जिसमें कि टोटल आपके छः सेमेस्टर होते हैं फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस आपकी पर एन है एलेवन थाउजेंड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम से कम्प्लीट कर लिया है तो आप फिर आप इस कोर्स में अप्लाई एप, कर सकते हैं इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं वहीं अगर हम बात करें बी एफ एनि बैचलर ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स कोर्स की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ की सीट्स हैं सिक्सटी इस कोर्स की ड्यूरेशन आपकी चार साल की होती है और इसमें आपके आठ सेमेस्टर होते हैं फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी चौबीस हज़ार छः सौ फीस आपकी रहती है या आपकी हर साल की फ़ीस है चौबीस हज़ार छः सौ रुपीस छः सौ रुपए और तो वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी स्ट्रीम से कम्प्लीट कर लिया है तो फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं सिमिलरली अगर हम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इसमें भी टोटल नंबर आपकी सीट्स हैं सिक्सटी एक साल का ये कोर्स है इसमें आपके दो सेमेस्टर रहते हैं फीस की अगर हम बात करें तो उन्नीस हज़ार छः सौ रुपये आपकी सालाना फीस है इसमें कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिस्प्लिन में आपने अगर किया है विद मिनिमम ऑफ फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ मार्क्स तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वहीं अगर हम बैचलर ऑफ़ सोशल वर्क पी कोर्स की बात कर लें तो इसमें भी टोटल आपकी सिक्सटी सीट्स हैं ये कोर्स आपका तीन साल का होता है जिसमें कि आपके छः सेमेस्टर होते हैं इसकी आपकी फ़ीस उन्नीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये है इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो फिर आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं फिर अगर हम आगे बढ़े देखते हैं बैचलर ऑफ़ परफॉर्मिंग आर्ट्स इसमें भी आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो हैं फिफ्टी हैं ये आपका चार साल का कोर्स रहता है इसमें आपके टोटल आठ सेमेस्टर होते हैं हर साल आपको उन्नीस हज़ार छः सौ रुपये देने होंगे इस कोर्स में तो अगर आपने इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर हम बात करें तो इसमें आपका पहले बी एस सी मैथ ग्रुप में अगर हम बात कर लें तो इसमें टोटल नंबर आपकी सीट्स हैं दो सौ अस्सी सीट्स हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन है तीन साल की इसमें आपके टोटल छः सेमेस्टर होते हैं तीन साल में और इसकी जो हर साल की फीस रहती है वो आपकी है चौबीस हज़ार आठ सौ पचास इसमें अगर हम मैथ ग्रुप में बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो अगर आपने इंटरमीडिएट uh, कंप्लीट किया है जिसमें कि आपका सब्जेक्ट फिज़िक्स और मैथमेटिक्स रहा हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपके फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें अपलिकेबल हैं सिमिलरली वहीं अगर हम बी बायोलॉजी ग्रुप में अगर हम बात करें तो इस कोर्स की भी टोटल आपकी ड्यूरेशन uh, है तीन साल की इसमें भी आपके छः सेमेस्टर होते हैं हालांकि इसमें आपकी नंबर ऑफ़ सीट थोड़ी ज़्यादा है इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं थ्री हंड्रेड और इसकी कोर्स की ड्यूरेशन आपकी तीन साल की है इसमें आपकी फ़ीस चौबीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये है इसमें वही लोग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट कर लिया है इंटरमीडिएट पास कर लिया है और उनमें आपका सब्जेक्ट जूलॉजी या बॉटनी रहा हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम आपका पचास परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है तो ये थी आपकी बी एस सी बायोग्रुप की डिटेल इसमें आगे बढ़ते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात कर लें तो अगर आप बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें टोटल आपकी 120 सीट्स हैं कोर्स की ड्यूरेशन आपकी तीन साल की है छः सेमेस्टर होते हैं इसमें आपकी हर साल की बत्तीस हज़ार फीस है इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट कम्प्लीट कर लिया है तो फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं सिमिलरली उसी तरह से आपका बी सी एनिनी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है इसमें भी आपकी एक सीटें हैं ये तीन साल का कोर्स होता है जिसमें टोटल आपके छः सेमेस्टर होते हैं इसमें भी आपकी फ़ीस बत्तीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये है अगर आपने इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं हालांकि इसमें भी आपके मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए इस सब्जेक्ट में तभी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं तो वहीं बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्स की अगर हम बात कर लें इसमें टोटल आपकी वन ट्वेंटी सीट्स हैं तीन साल का ये कोर्स होता है छः सेमेस्टर आपके होते हैं यहाँ पे हर साल की आपको इकतीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये देने होंगे इस कोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं और इसमें भी अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वोकेशनल प्रोग्राम में अगर हम बात कर लें तो वोकेशनल प्रोग्राम में आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आता है इसमें भी आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फोर्टी हैं तीन साल का ये कोर्स है जिसमें आपकी छः सेमेस्टर आपके टोटल होते हैं सी फीस की अगर हम बात करें तो उन्नीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये आपको फीस देनी होगी हर साल इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से आपके मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी भी कोर्सेज़ हैं आगे बढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अगर हम बात करें तो अगर आप एम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ आपकी सीट्स जो होती हैं वो आपकी 60 सीट्स हैं यानी 60 सीटें हैं दो साल का ये कोर्स रहता है एम का जिसमें टोटल आपके छः चार सेमेस्टर होते हैं जिसमें कि आपकी अगर आप एम इन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्स में तो इसमें आपको हर साल छः हज़ार छः सौ रुपये देने होंगे इसमें अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स में या फिर बीएससी मैथमेटिक्स या फिर अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है या फिर अगर आपने बीबीए का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तभी आप एम इन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इसी तरह से और भी आपके कोर्सेज़ हैं एम हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी बाकी आप यहाँ पर दे सकते हैं एम के कोर्सेज़ उनकी फीस ये पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आप कंप्लीट डिटेल वहाँ से ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम फैकल्टी ऑफ साइंस में बात करें तो अगर आप एम का कोर्स करना चाहते हैं तो टोटल आपकी यहाँ पे एम फिज़िक्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी तीस सीटें हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन आपकी दो साल की होती है चार सेमेस्टर रहते हैं इसमें आपको हर साल ग्यारह हज़ार रुपये देने होंगे और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आपने बीएससी फिज़िक्स में आ, अगर आपने कंप्लीट किया है तो फिर आप एमएससी फ़िज़िक्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इसी तरह से आपकी बाकी भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं एमएससी की जिसमें एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस ये सब डिटेल आप चेक कर सकते हैं पी डी में आपको प्रोवाइड कर दूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहाँ से आप ये ज़रूर चेक कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बात कर लें प्रोग्राम्स में तो इसमें आपका एम में भी आप देख सकते हैं एम बी एंड एग्री बिजनेस की अगर हम बात कर ले तो उसमें आपकी टोटल साठ सीटें हैं दो साल का ये कोर्स रहता है चार सेमेस्टर आपके दो साल में होते हैं और हर साल आपको यहाँ पे छत्तीस हज़ार आठ सौ पचास रुपये देने होंगे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है मिनिमम पचास परसेंट मार्क्स से तो भी आप इसी इसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एम बी एन एग्री बिजनेस में इसी तरह से ये आपकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर ऑफ लॉ की अगर हम बात करें एल की तो इसमें भी आपकी साठ सीटें हैं दो साल का ये कोर्स है चार सेमेस्टर इसमें होते हैं फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर साल आपको पचास हज़ार चार सौ रुपये देने होंगे और इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने एल का कोर्स कम्प्लीट कर लिया है विद मिनिमम ऑफ फिफ्टी ऑफ मार्क्स से तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बाकी आपके पी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं ये सब आप चेक कर सकते हैं एक बार तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके आ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहीं चेक कर सकते हैं ये पी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में और लास्ट में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद